चेतन दहलीज पार कर गई, दीवार पार नहीं कर पाएंगी। पुरानी दीवारें पार नहीं की जाती, गिरा दी जाती है। तो देखो यार, कुछ टाइम पहले ही नेटफ्लिक्स के ऊपर जो है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शो यानी कि हीरा मंडी, जिसको बनाया था संजय लीला भंसाली ने, उसके पार्ट नंबर 2 के बारे में एक ऑफिशियल अपडेट निकल के आ चुकी है। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि क्या इसके पार्ट नंबर 2 की जरूरत थी और उसके ऊपर मेरे क्या ओपिनियन है, मेरा क्या रिएक्शन है, आपको सब कुछ जानने को मिलने वाला है। बट बिफोर दैट, हाई एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए अपडेट वीडियो में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो बात करते हैं, हुआ कुछ ऐसा कि आज यानी कि 3 तारीख को नेटफ्लिक्स ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो निकाली जिसके अंदर उन्होंने जो है हीरा मंडी के पार्ट नंबर 2 को ऑफिशियली रिन्यू कर दिया है। और अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे कि इसके पार्ट नंबर को लेकर मेरा क्या ओपिनियन था, तो मुझे काफी एवरेज सा ये शो लगा था, लेकिन इसका बजट था 200 करोड़ रुपए, जिसका ऑलमोस्ट 90% जो बजट था वो इसके सेट डिजाइन से फूंक दिया गया था। ना इसकी स्टोरी में इतना कुछ पोटेंशियल था, चाहे आपको जिस तरीके से इसके अंदर एक्ट्रेसेस की परफॉर्मेंस देखने को मिली, 2-3 को छोड़ के बाकी इतनी कन्विंसिंग नहीं लग रही थी। लेकिन नेटफ्लिक्स का क्या दिमाग चलता है मेरी समझ से बाहर है कि क्या इसके पार्ट नंबर 2 को रिन्यू करने की जरूरत थी। जहां पर आप एक तरफ इतने कमाल कमाल के शोज को जो है रिन्यू नहीं करते हो, कैंसिल कर देते हो, जिनकी स्टोरी के अंदर, जिनकी स्टोरी टेलिंग के अंदर इतना कमाल का पोटेंशियल होता है, और एक तरफ आप जो है इतने एक ऐसे शो को जो है आप रिन्यू कर रहे हो जो अलग ही इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रेंड चला रहा है। मतलब जो लोग हैं स्पेशली गर्ल्स जो है जो इंस्टाग्राम यूज करती है, वो आदित्य राव हैदरी की जो लाइक वॉक है उससे इंस्पायर हो रही है। शाबाश, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस शो ने जो है सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन को जो है ग्लोरीफाई करने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। मेरी समझ से बाहर है कि नेटफ्लिक्स जो है किस तरीके से ऑपरेट करता है और वो क्या चीज़ें देख के जो है इसके पार्ट नंबर 2 को रिन्यू किया है। मेरी समझ से, मेरी बुद्धि से पूरी तरीके से बाहर है। मेरे को पर्सनली ये शो जो है बिल्कुल एवरेज लगा था। तो अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो ऑफिशियल रिन्यू हो चुका है। इसका मतलब है नेटफ्लिक्स को एक बार फिर से जो है 200 करोड़ रुपए का चूना लगने वाला है। अब देखते हैं, क्या पता ये लोग बजट भी बढ़ा दे। बाकी आपके इसके ऊपर क्या ओपिनियन से नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।